हाय गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये भगवती स्थान है और इसके मैं अंदर आपको लेके चलूँगा और आपको सारी जानकारी शेयर करता हूँ। पीछे आप देख सकते हो ये पूरा तो शुरू से लेके चलते हैं, दिखाते हैं वीडियो, मज़ा आएगा। का मैंने आपको दर्शन कराया, मैंने सारा चीज़ दिखाया। ये मंदिर है कि आप देख रहे हो, वो जो उस तरफ आप देख रहे हो, पहले आप एक बार देख लो वो साइड, उसके बाद आप ये एक मंच देख लो। मंच के बगल में ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलीबॉल का नेट बांधा हुआ है। चलिए हम कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। जो अक्रूर है इसका नाम जो है ना, एक्चुअली राजा अक्रूर, अक्रूर पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता, अक्रूर वो थे जो कृष्ण जी के चाचा थे, जिनको कंस भेजते हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। जब वो रास्ते में जाते रहे तो अक्रूर जी कृष्ण को सारी जानकारी देते हैं कि कंस के पॉजिटिव पॉइंट के नेगेटिव पॉइंट, कहने का मतलब ये हुआ कि कंस के पास कौन कौन सी एनर्जी है। युद्ध की बहुत सारी बातें वो कृष्ण जी को शेयर करते, तो उसी वक्त से कृष्ण जी उन्हें अपना गुरु मानते, तो अक्रूर जी को कृष्ण जी का गुरु भी कहा जाता है। अब ये मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ये हैं कि ये मंदिर जो माता है भुवनेश्वरी माता, भुवनेश्वरी मीन्स भूमि से आई हुई माता, तो इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि ये कब आया। हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि ये रामायण काल से ये माता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे दशरथ जी जब जनकपुर जा रहे थे तो दशरथ जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूजा की। तो अभी आपको जो मैंने मंदिर दिखाया, ये मंदिर का निर्माण 2001 में हुआ है, महेंद्र झा ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये जो माता है, इसकी कहानी ऐसी भी है कि जो माता भूमि से निकली हुई है, एक बार लोगों ने उसको निकालने का कोशिश भी किया था, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहे, मतलब वो माता बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो उसको जितना खोदते जा रहे वो उतना ही बड़ा होते जा रहा है। और ये जो आपको मैंने मंच दिखाया, यहाँ पे कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी जो होता है उसमें बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत ही प्यारा एकदम मेला सा लगा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। ये जो मंच दिखा है, तो इस गांव की ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे लोगों में बहुत अच्छा एकता है। ये मंदिर को आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा निर्माण हुआ है। ये सिर्फ पहले एक मंदिर ही था, उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर हर भगवान का कह सकते हो कि छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है।
ये गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गांव में एकता है। जब कोई भी काम होता है या कोई भी पूजा होती है, दुर्गा माता का पूजा हो, नवरात्रि हो, तो इस गांव में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग सब आगे आते हैं, हर एक कास्ट से। कोई रिलेटेड नहीं है कि ये पर्टिकुलर कास्ट ही ये चीज़ करेगा। हर कास्ट के लोग यहाँ आके मिलजुल के बढ़ के बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हो मंदिर का इतना अच्छा निर्माण किया, और इसकी प्रगति दिन बर दिन होते जा रही है इस गांव की। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो हर हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे होते रहता है। और यहाँ पे शाम को आपको मैंने नेट दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेट। तो यहाँ पे बच्चे लोग मस्त आके खेलते कूदते। तो यहाँ हम लोग आपको तालाब के इधर लेके चलते हैं, उसे जो मंच आप देख रहे हो, ये मंच का बहुत ही फ़ायदा है। जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो कलाकार हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती लोगों में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है गाँव का यूथ के लिए, कि लोग छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पर मौका मिलता है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, जो कि सीखते हैं बच्चे लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग तालाब की तरफ चल रहे, देखते तालाब आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा है, सभी को अच्छा लगेगा। ये जो आप तालाब देख रहे हो, देखो आप, ऐसे टोटल 72 तालाब है अकोर गांव में। मैंने आपको जनकपुर के वीडियो में दिखाया था कि जनकपुर में टोटल 115 तालाब है ऐसे, सेम वैसा ही ये 72 है यहाँ पे। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि एक ही रात में ये 72 तालाब खोदे गए, मतलब मीन ऐसा बना है एक ही रात में। और भगवती स्थान में यहाँ पे अकोर भगवती में सिर्फ इसी तालाब के पानी से पूजा होता है, और बाकी कहीं का पानी यूज़ नहीं कर सकते, यहीं का पानी से पूजा होता है, ऐसी मान्यता है। ये आप देख सकते हो चारों तरफ से ग्रिल है एक्चुअली, आप देखोगे तो उसको पैक किया गया है बाहर से, तो यहाँ पे कोई ऐसा आ नहीं सकता, उसके एक ही रास्ता यही है आने के लिए, पूजा के लिए यहाँ से पानी लेके सीधा अंदर जाना है। बीच बीच में इसकी साफ़ सफाई भी होती रहती है, ऐसा हमें पता चला। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे पास कुछ आरती के फुटेज है, मैं आपको वो तब तक शेयर करता हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।